एक आधे पंप पे छोड़ जाता है वो 80 रुपये जाके बैठ जाती है, कहाँ गैस 170 रुपये फुल होती थी आज 400, 350, 380 रुपये गैस आती है। 350 रुपये रोज ऑटो को देते हैं और 350 का गैस आता है, 700 हुआ और भी खर्चा है वो खाने वोने का, वो सब लेके 1000 रुपये ऐसे पड़ जाता है, 1000 रुपये हम लोग कमाते नहीं है। देश भर में लगातार पेट्रोल डीजल और सीएनजी के बढ़ती कीमतों की वजह से कैब और ऑटो यूनियन ने हड़ताल करने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक फ्यूल की बढ़ती कीमतों से परेशान कैब और ऑटो यूनियन ने किराया बढ़ाने की मांग रखी है। ओला और उबर के कैब ड्राइवर एसोसिएशन ने टैक्सी किराया बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल का ऐलान किया है, तो वहीं दिल्ली ऑटो रिक्शा यूनियन की तरफ से भी सीएनजी पर सब्सिडी की मांग की गई है। दिल्ली ही नहीं पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच हमारे रिपोर्टर ने कुछ ऑटो ड्राइवर्स से भी बातचीत की जिन्होंने सरकार से मांग की है कि सीएनजी के दाम जल्दी कम किए जाएं। महंगाई की वजह से रखी है, गैस के पैसे बढ़ चुके हैं, जहां 35 रुपये किलो गैस थी आज 75 रुपये किलो गैस आगे बैठ जाती है, एक आधे पंप छोड़ जाता है वो 80 रुपये आगे बैठ जाती है, कहाँ गैस 170 रुपये फुल होती थी आज 400, 350, 380 रुपये गैस आती है, तो इस चक्कर में 350-400 दिहाड़ी गैस दिहाड़ी दें या गाड़ी गैस की दें या अपने घर लेके जाएं, महंगाई इतनी है और कुछ हो नहीं पा रहा है, और उसके बाद गर्मी पड़ती है, सवारी तो पैसे मांगो, सवारी वो दिखाती है 30-40 किलोमीटर के, इस ऊपर दिखाती नहीं है। हम लोगों का मांग है कि गैस का रेट कम हो और महंगाई जो बढ़ रही है वो महंगाई कम हो, क्योंकि हम लोग मतलब बिहार से आए हैं, कोई यूपी से है, ये सब आए हैं, हम लोग को मतलब प्रेशर बहुत है, कम आमदनी कम है लेकिन खर्चे ज़्यादा है। हम लोग ऑटो भाड़े पर चलाते हैं, 350 रुपये रोज ऑटो को देते हैं और 350 का गैस आता है, 700 हुआ और हमारा रूम रेंट है और भी खर्चा है वो खाने वोने का, वो सब लेके 1000 रुपये तो ऐसे पड़ जाता है, 1000 रुपये हम लोग कमाते नहीं है और 1000 रुपये तो इधर चल जाता है, इसलिए महंगाई पे सरकार कंट्रोल करे और गैस का जो रेट है वो कम करे। हड़ताल की वजह से लोगों की परेशानी भी काफी बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि इस तपती गर्मी में अब पैदल ही घूमने निकलना पड़ रहा है, पैदल दिन घूमनी पड़ी और मेट्रो जाना पड़ रहा है, हमको अक्षरधाम जाना था, हमको कुतुब मीनार जाना था, सब के सब बंद है, बोले ऑटो रिक्शा वाले बोले हम कहीं जाएंगे नहीं, कहीं घूमेंगे नहीं। वही दिल्ली एयरपोर्ट पर भी लोग काफी परेशान नजर आए। बता दें कि सीएनजी की कीमतों पर सब्सिडी की मांग को लेकर सैकड़ों ऑटो टैक्सी और कैब चालकों ने हाल ही में दिल्ली सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन किया था। अब हड़ताल से लोगों को तो काफी परेशानी का सामना करना ही पड़ रहा है, लेकिन सरकार इस हड़ताल के बाद कोई फैसला लेगी या नहीं ये देखने वाली बात होगी।